पिछले साल पंजाब के मनसा में हुई सिद्धू मूसावाला की हत्या के मामले में सबसे पहले जिम्मेदारी ली थी गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने, जिसके शूटर्स ने उसके ऊपर हमला किया और उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन अब वही लॉरेंस विश्नोई ने बाकायदा एक लिस्ट बना रखी है कि उसकी सूची में कौन कौन शामिल हैं, और जो हिट लिस्ट है उसमें सबसे पहला नाम सुपरस्टार सलमान खान का है। जी हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। विश्नोई ने बताया है कि उसे गोगी गैंग को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मदद से दो जिगाना पिस्टल उपलब्ध करवाई थी। गैंगस्टर विश्नोई ने साथ ही केंद्रीय एजेंसी को यह भी बताया है कि उसके हिट लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस विश्नोई ने एक इंटरव्यू दिया था। TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा था कि उसका गैंग देश में एक्टिव है और काम कर रहा है। फिलहाल वो इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है। गौरतलब है कि विश्नोई ने एक निजी चैनल में एक इंटरव्यू अपने जेल में बैठकर अपनी बैरक से ही दिया था। इंटरव्यू में वो साफ साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो सलमान खान को मारना चाहता है, क्योंकि राजस्थान में कई साल पहले उसने हिरण का शिकार किया था। बाकायदा उसने हिरण शिकार के मामले का भी जिक्र किया था। इस दौरान बार बार विश्नोई ने सलमान खान को मारने की बातें कही। उसने कहा कि अभी तक तो वो गुंडा बना ही नहीं है, जब सलमान खान की हत्या करवाएगा तब वो असली गुंडा बनेगा। उसने ये भी कहा कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के धार्मिक गुरु जम्बेश्वर धाम मुक्ति धाम में जाकर माफ़ी मांग ले तो वो उसे माफ कर सकता है। बिश्नोई ने अधिकारियों को अपनी एक टॉप 10 की सूची दी है। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम सबसे पहले नंबर पर है। इसके अलावा सिद्धू मूसावाले के मैनेजर का नाम दूसरे नंबर पर है। अगर इस लिस्ट पर नज़र डालें तो सबसे पहले सलमान खान, दूसरे नंबर पर शगुन प्रीत जो कि सिद्धू मूसावाले का मैनेजर था, तीसरे नंबर पर है मनदीप धारीवाल जो कि लकी पटियाल का गुर्गा है, कौशल चौधरी गैंगस्टर है, अमित डागर गैंगस्टर है, सुखप्रीत सिंह बुद्धा बम्बिया गैंग का सरगना है, लकी पटियाल गैंगस्टर है, रमी मसाना गौंडर गैंग का गुर्गा है, गुरप्रीत शेखो गैंगर गैंग का गुर्गा है। इसके अलावा भोलू शूटर सनी लेफ्टी अनिल लट विक्की मुद्दू खेड़ा की ये हत्यारे हैं, और इन्हीं हत्या की वजह से सिद्धू मूसावाले का भी हत्या हुई थी। विक्की मुद्दू खेड़ा की हत्या से लॉरेंस तब से नाराज था। वो इस हत्या का बदला लेने के लिए उसने अक्टूबर 2021 में मूसावाले के गांव में 3 शूटर भेजे थे। इसी दौरान बिश्नोई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क में भी था जो कि कनाडा में है। मूसावाला की हत्या के लिए बिश्नोई ने बराड़ को 50 लाख रुपए दिए थे। आपको बता दें कि मद्दू खेड़ा की हत्या जब हुई थी उसका जिम्मेदार भी गोल्डी मूसावाला को ही मानता था, और इस हत्या के बाद से ही वो लगातार सिद्धू को तलाश रहा था और मौका पाते ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। NIA की पूछताछ में बिश्नोई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि भरतपुर फरीदकोट और अन्य जेलों के रहने के दौरान उसने राजस्थान चंडीगढ़ और अंबाला में कारोबारियों से पैसे भी खूब उगाए हैं। मूसावाला की हत्या के बाद चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई ने ये सारी चीज़ें जो अभी NIA को बताई हैं उनमें से कुछ चीज़ों का चैनल में भी खुलासा किया था। लेकिन अब NIA की सामने जो खुलासा किए हैं उसके बाद पंजाब समेत कई राज्यों में जहां उसका नेटवर्क चल रहा है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। NIA की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो और ज़्यादा भी चौंकाने वाला साबित हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।